हुक्का बार के नाम पर रेस्टोरेंटों में परोसे जा रहे नशीले पदार्थों के खिलाफ एक बार फिर अभियान चलाते हुए गोरखपुर पुलिस ने महानगर के करीब आधा दर्जन हुक्का बारों पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस को टोबैको युक्त हुक्का मिला, जबकि संचालक इसे फ्लेवर का रूप दे रहे थे। एसएसपी के निर्देश पर एसपी ट्रैफिक अदित प्रकाश वर्मा तथा एएसपी व सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे के नेतृत्व में निकली पुलिस की टीम ने मंगलम टावर, जीडीए कॉम्प्लेक्स सहित अन्य हुक्का बारों पर छापेमारी की तथा सघन चेकिंग की। इस दौरान पुलिस को कुछ आपत्तिजनक नशीले पदार्थ मिले, जिसको जब्त करते हुए पुलिस ने संचालकों को चेतावनी दी कि अगर नियम के विरुद्ध कार्य किया गया तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक अदित प्रकाश वर्मा ने कहा, तो ये क्या फ्लेवर कौन सा है? भैया सीसीटीवी देखा, सीसीटीवी चलाइए, कल का दिखाओ, दिखाओ 10 बजे लेके 4 बजे तक का। एडमिन एडमिन ही होगा, कोई बात नहीं, टिकट ले गया एडमिन। हेलो हेलो हेलो, ये सारे बिट टबैको है, टबैको है, ये सारे प्रतिबंधित है। कहाँ से? नगर निगम से मिलता है राशन? कहाँ से मिलता है? ये कह रहा हूँ क्या नहीं होता, ये तम्बाकू का तो होगा कुछ, तम्बाकू मकू ना ना अलाउड ही नहीं है पब्लिक में, इस पर स्मोकिंग करना आजकल तो वो बैंड ही है वैसे भी। जी हाँ, हम लोग हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो सभी जो यहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ पे शिकायतें मिलती हैं लोगों को तम्बाकू सर्व करते हैं, तो इस प्रकार के हम लोग इस चेकिंग के लिए निकले हुए हैं। अभी तक तो कोई जानकारी नहीं हुई है, बाकी हम लोग सभी जगह जा रहे हैं, सिंपली जो है अभी तो सब खाली मिले हैं, तो वहाँ पर अभी इस प्रकार कोई गतिविधि पाई नहीं गई अभी। हाँ, उनको चेतावनी दी गई है कि मतलब अगर किसी प्रकार का आप लोग कोई अवैध कृत्य ना हो यहाँ पे, इस पर चेतावनी भी दी गई है और बताया गया है कि जो आप विधिक लिमिटेशंस हैं उन्हीं लिमिटेशंस में, अन्यथा आपके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।